नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। सर्वप्रथम तो सारे चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एनटीए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिलकर कसम से बहुत मौज कर दी है। मात्र 5 महीने में वैकेंसी को क्लियर करने वाली एक रिकॉर्ड जैसा दिख रहा है। लगातार आप देखा जाए तो सारी वैकेंसीज अब इतनी जल्दी क्लियर हो रही है, पेपर हो रहा है, पेपर होने के बाद तुरंत रिजल्ट आ रहा है। इवन 2 स्टेज का एग्जाम और अगर आपके 5-6 महीने में आपका वैकेंसी का रिजल्ट आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अगर देखा जाए तो आज ग्रुप सी, जो ग्रुप डी और ड्राइवर ग्रेड 4 की वैकेंसी का जो पिछले नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म निकला था, उसका जो पेपर आपका दिसंबर में कराया था, फिर आपका जो टेस्ट था वो अभी पिछले महीने कराने के बाद तुरंत ही इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। और ये देखो जिन बच्चों का इसमें नाम है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। ठीक है, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। और अंकित यादव यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे के सारे किस पोस्ट पर हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले हैं। ये अलग, एक तरफ पद का लिखा हुआ है, एक तरफ नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे परीक्षा प्लस में मिल जाएगी। इस पीडीएफ में जाके अपना नाम देख ले, जितने भी बच्चे हुए हैं वो चाहे पेड अप्रेंटिस, कुछ इसमें जूनियर असिस्टेंट वाला था ग्रुप सी में और पेड अप्रेंटिस वाला था, तो कुछ बच्चे पेड अप्रेंटिस जैसे आप देख सकते हो, कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक ऐसे ही अगर बात किया जाए तो ग्रुप डी के पोस्ट, जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो ग्रुप डी के भी सारे बच्चों की टोटल यहां पर लिस्ट आ गई है, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। जो टोटल लिस्ट आई है उसमें से काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है और यहां पे 1699 बच्चे ग्रुप डी के लिए किए हैं। अब इसके बाद जो इनका देखा जाएगा तो ये फाइनल रिजल्ट है देखा जाए रिटर्न का। और फिर अगर ग्रुप सी में आप देख ही लिए हो, यहां पे देखते हैं ड्राइवर ग्रेड 4 में टोटल कितने बच्चे यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो ड्राइवर वाले पोस्ट, क्योंकि यहां पे कम थे 21 बच्चे यहां पे हुए हैं, टोटल 21 बच्चे ड्राइवर की पोस्ट पे हुए हैं। और एक बार ग्रुप सी वाले का भी टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनको देख लेते हैं ग्रुप सी वाले पोस्ट पे, जो जूनियर असिस्टेंट और अप्रेंटिस वाला था। अच्छा, एक चीज था कि उसमें अलग अलग वो वैकेंसीज थी, बट ये कंबाइन करके रिजल्ट दे दिए हैं। और अगर इनको ओवरऑल अगर देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 1021 बच्चे यहाँ पे जो हुए हैं टोटल क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। तो सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये जो आपका रिजल्ट होता है पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत ही खुशियों वाला होता है। कहीं ना कहीं एक जो आपकी मेहनत होती है वो सफल होती है, वो रंग लाती है और फिर ऐसा लगता है कि अब हम कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जो हमारी सालों का मेहनत जो है वो कहीं अब रंग लाया है। और अब एक बहुत बड़े, एक जो जाल सा था, एक लूप से फंस गए थे, तैयारी पेपर, उससे बाहर निकल आए हैं। फिर भी जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, निराश करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं। आपने पढ़ रखा है, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। आप एक कदम पहले एक बात समझना, जो बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं वो शायद पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो आप भी, क्योंकि हो सकता है उनसे बाद में तैयारी करना शुरू किए हो या नए हो या पहली बार कंपटीशन में बैठे हो, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है। दूसरा पेपर देंगे, तीसरा देंगे और हो सकता है आपका उसी में जो नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका इंतजार कर रहा है आपके चयन के लिए। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।